लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाती है। नर्मदा जयंती के मौके पर प्रदेश में तमाम कार्यक्रम रखे जाते हैं, नदी के घाटों को सजाया जाता है, पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी नर्मदा नदी को बचाने के लिए पिछले 38 साल से आंदोलन भी चल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा जयंती के मौके पर आइए आपको इस वीडियो की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था और वजह थी सरदार सरोवर बांध का बनना। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 10 सालों तक सरदार सरोवर बांध को लेकर विरोध किया गया है। भारत के 4 राज्यों के लिए महत्वपूर्ण सरदार सरोवर परियोजना का नर्मदा बचाओ आंदोलन से गहरा नाता है। साल 1985 से इसका विरोध चल रहा है। आर्थिक और राजनीतिक विषयों के अलावा इस मुद्दे की कई परतें हैं जिन्हें हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस आंदोलन की वजह जो है वो गरीब और आदिवासियों के पुनर्वास का मुद्दा है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में गरीबों और आदिवासियों के पुनर्वास और वन भूमि का विषय भी सबसे महत्वपूर्ण है। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस बांध के विरोध का प्रमुख कारण इसकी ऊंचाई है, जिससे इस क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न यानी कि डूब जाने का खतरा भी शामिल है। आपको बता दें कि जब भी इस बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई है तब हजारों लोगों को इसके आसपास से विस्थापित होना पड़ा है और उनकी भूमि और आजीविका भी छिन गई है। इस बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने से मध्य प्रदेश के 192 गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं। इसके चलते 40,000 से भी ज्यादा परिवारों को अपने घर और गांव छोड़ने पड़े। इस आंदोलन की नेता मेधा पाटकर का आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी बांध प्रभावितों को ना तो मुआवजा दिया गया है और ना ही उनका बेहतर पुनर्वास किया गया है। इसके बावजूद बांध का जलस्तर बढ़ाया जा रहा है। वहीं आधिकारिक आंकड़ों की अगर बात करें तो इस बांध के बनने से मध्य प्रदेश के 4 जिलों के 23,000 से भी ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि सरदार सरोवर बांध से 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र डूबा है, जिसमें 244 गांव और एक शहर शामिल है। 13,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर का जंगल भी इसमें इस क्षेत्र डूब क्षेत्र में शामिल है, जिसके खिलाफ 1993 में मेघा पाटकर और उनके साथियों ने 18 दिन तक उपवास किया था। तब केंद्र सरकार द्वारा 5 विशेषज्ञों की कमिटी बनाई गई थी। 1984 से लेकर 2019 तक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में विस्थापना, पुनर्वास, पर्यावरणीय क्षति, आर्थिक मूल्यांकन में धांधली यानी कि भ्रष्टाचार और बांध से होने वाले लाभ और हानि के मुद्दों पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने जनहित याचिका भी दायर की। साल 2000, 2005 और 2017 में कोर्ट द्वारा तमाम निर्देश दिए गए। 8 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 3 महीने में काम पूरा करने और 31 जुलाई 2017 को बलपूर्वक हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही जिन्हें जमीन या नगद राशि यानी कि मुआवजा नहीं मिला था उन्हें 60 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन विस्थापना और मुआवजे का मुद्दा आज भी जस का तस बना हुआ है और ये आंदोलन कहीं ना कहीं लगातार जारी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।